देखिए ये वाला कबर्ड दिखाएं, ये वाला कबर्ड है, सारी ज्वेलरी है। और ज्वेलरी अगर निकाल के दिखाएंगे ना तो एक घंटे का वीडियो हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता पर। और आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं अभी आप लोगों के लिए, वो मेरे मंदिर का टूर है। और जब हमने होम टूर वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो था, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था कि होम टूर करिए आप। और उसके बाद ना होम टूर के वीडियो पे ही कमेंट आए थे मेरे कि आप मंदिर को दिखाइए, यानी कि मंदिर का टूर करिए। मंदिर तो आप लोगों ने देखा है सभी लोगों ने मेरा, बट ना ऐसा होता ना कि अच्छे से किसी चीज दिखाना ना लोगों को लगता है लोग कैसे रखती होंगी क्या करती होंगी। कभी कभी हमें भी लगता है औरों को देख के कि कैसे मैनेज करती होंगी। तो आज आपके लिए मंदिर का टूर दिखाएंगे, शूट करने जा रहे हैं वीडियो। और अभी अभी मेरा थोड़ी देर पहले मेरा जो है वीडियो शूट हुआ, इसमें हमने माता रानी के लिए बहुत प्यारा सा गीत गाया हुआ है, भजन गाया हुआ है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, और इसको भी देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले ना मंदिर से ही स्टार्ट करेंगे, मंदिर का टूर है। तो ये देखिए, ये दर्शन कर लीजिए माता रानी के। एक्चुअली किचन के ही रूम में मंदिर है, किचन और मंदिर मेरा ना साथ ही साथ है। ये देखिए, और ये जो पेंट है ये भी हमने किया था, ये मेरा पिछले साल दिवाली पे वीडियो गया था मेकओवर का, उसमें सारा कुछ हमने दिखाया है। कलर एक्चुअल में ना इसका वुडन पे था, जैसे ये है यही कलर था, और हमने वाइट और येलो में पेंट किया है, पूरा मंदिर ही लुक चेंज कर दिया यानी कि। तो आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो पड़ा है, लास्ट दिवाली को हमने डाला था। और देखिए ये वाला कवर दिखाएं, सारी ज्वेलरी है। और ज्वेलरी अगर निकाल के दिखाएंगे ना तो एक घंटे का वीडियो हो जाएगा, बस आपको ऐसे ही दिखाएंगे फटाफट से। ज्वेलरी बहुत सारी है, बट ये ना हर चीज़ पहना नहीं पाते हैं। ये देखिए नोज रिंग है, पायल है, और ये नथनी की जो लटनी होती है, लदी जाती है नथ, इसमें मतलब पहनाई जाती है वो है। ये माला है, ये बिछिया है माता रानी के, ये हार है, ये सब भी हार है। और ये झुमकी है बड़ी बड़ी, काफ़ी बड़ी बड़ी। और ये ना वो हैं जो कान में नहीं पहनते, कनौती, ये कनौती हैं, ये भी हार हैं छोटे छोटे से। और ये वो ज्वेलरी है जो सबसे पहले हमने माता रानी को अपने हाथ से पहनाई थी, मतलब बनाई थी, खुद से बनाई हुई थी। आपको दिखाएं क्या बनाया था, ये देखिए हाथों में पहनाने वाले है ना, धागे में जितना आता था करते थे, अभी तो खैर बहुत कुछ आ जाता है, करते करते आप सीख ही जाते हो कहीं ना कहीं। और ये परफ्यूम है माता रानी की, उनको रोज़ पसंद है, पूछ के लाते हैं तो वो रोज़ बोलती हैं, तो हम रोज़ लेके आते हैं, ऐसे रखते हैं। ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं यूज करते हम, जब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तभी करते हैं, ऐसे लगाते हैं। ये देखिए मेकअप है सारा, ये सारा मेकअप दिखाइए मुझे, मस्त मस्त कंगा, ये देखिए शीशा, ये देखिए प्यारा है, क्यूट सा, क्यूट सा। आप लोग बोलेंगे ना तो माता रानी की ज्वेलरी दिखाएंगे, तो उसमें सारा कुछ दिखाएंगे, इसमें ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए ये भी, ये सारी बिंदी कलेक्शन है माता रानी का, ये वाली बहुत प्यारी लगती है। ये बिंदिया नहीं है एक्चुअली में, इस तरह से आते नक बोलिए जो भी बोलिए ना, ऐसे निकाल के हम लगाते हैं, हमको बहुत पसंद है ऐसे निकाल के ना, गले में हम पहना देते हैं तो हार का लुक हो जाता है, ऐसा लगता है नेकलेस पहना रखा आपने। और ये आपने यही बना रखा था ना इससे पहले। और ये देखिए सब बिंदिया हैं, और कुछ लगा पाते हैं उनके, कुछ नहीं लगाते, ये साइज लगाते हैं उनके हम, हैं तो बहुत सारी, क्योंकि 9 साल हो गए हमको, मेरे यहाँ माता रानी आई हुई है ना 9 साल हो गए, तो उसी हिसाब से सामान करना खरीदते खरीदते बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए ये वाले, ये दो हार हैं, दिखाएं थोड़ा सा, ये आप लोगों ने देखा है, और ये वाला देखिए ये है ना, तो पहनाने में बटना बहुत प्रॉब्लम होती है, करीब करीब हमको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उनका श्रृंगार करते करते। और ये देखिए दुल्हनिया लिखा है, और ये सब कुछ हम यूज नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में, खरीद लेते हैं और पुराने। ये देखिए मैचिंग के हैं, जब जो उनके पास लहंगे होते हैं ना उन्हीं के मैचिंग की हैं ये चूड़ियाँ। और ये श्रृंगार है, ये देखिए सब है काफ़ी कुछ है। और ये कुछ भी नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये, एक्चुअली ना एक जगह हमें कपड़ा मिला था, तो हमने उन भैया से बोला कि हमें ये दे दीजिए काट के, उनके यहाँ पड़ा हुआ था ऐसे ही, उन्होंने दे दिया, और ये नया ही था, तो हमने ऐसे करके ना सोचा था कभी माता रानी के लिए कुछ बनाएंगे ना तो उसमें इसको यूज करेंगे, जब से ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ है। ये देखिए ये लगाते हैं कभी कभी हम, ग्लिटर है सूखा वाला पाउडर वाला। ये देखिए कुछ मुकुट हैं, और ये इयररिंग्स हैं, इसमें सारी इयररिंग्स हैं माता रानी के, बहुत प्यारे प्यारे हैं है ना।
ये देखिए कितनी प्यारी सी झुमकी है, दिखाएं छोटी सी, ये हमको बहुत पसंद है ना, छोटी सी है तो ये इधर जाएगा। और देखिए ये ज्वेलरी, ये कान के हम मांग बहंदी है, और ये अभी हम ऋषि केस ले जाएंगे। एक्चुअली मेरे पापा गए थे एक बार, कहाँ गए थे प्रीति? अयोध्या जी। तुम भी तो गई थी, तो वहाँ से लेके आए थे ऋषि केस ले जाने के लिए, बट ना यहीं पे छोड़ गए धोखे से, वो तब से रखा हुआ है, और हम अब जाएंगे हम तो लेके जाएंगे। ये ड्रॉर बंद हो गया ऐसे, एक कवर्ड, ये दो है, एक ये है और एक ये है, तो बस इसमें देखिए ज़रूरी सामान कुछ रहते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं और इधर से कम यूज करते हैं, पर्दे के पीछे से यहाँ से यूज करते हैं। ये कुछ बत्तियाँ बना के रखी हैं, ये हैं एक्चुअली रेडीमेड हैं, और देखिए ये वाली हम जलाते हैं, ये कम जलाते हैं, और ये वाली जलाते हैं, लौंग कपूर जलाते हैं, और कपूर को ना हमने इस वाली डिब्बी में रखा है, क्योंकि ना कपूर को ना हवा वगैरह कम लगनी चाहिए। और ये जायफल हैं, ये ना वाले चावल हैं, ये चावल हैं, और ये किसमें रखते हैं हम, माचिस ऐसे करके, तो इसमें हवा नहीं रखती। ये वो सामान है जो लगभग रोज ही यूज होते हैं, तो वो है। और इसमें माता रानी की ना लाइट है मंदिर में लगाने वाली, फंस गया क्या? हाँ, ये मंदिर में लगाने वाली लाइट है, और ये देखिए ये घंटी है, एक छोटी सी ये भी है, तो इनका यूज नहीं होता है, क्योंकि एक साथ कितनी घंटी बजाएंगे आप लोग। एक है जो कि ऊपर रखते हैं वही हम बजाते हैं, और इसमें ना इस तरह से बहुत टाइट है ये, है ना। तो इसमें बहुत 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 पुरानी मेरी डायरी के कुछ पेजेस हैं, बाकी डायरी पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया ना कि हम बहुत बीमार हो गए, और कुछ सालों तक बीमार ही रहे हम, बोलेंगे 2-3 सालों तक बीमार ही रहे हम, तो ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे, और ये हाल हो गया मेरे सामान का, चूहों ने काट दिया, बच्चों ने यहाँ वहाँ कर दिया। और देखिए इसमें ना कुछ बहुत यादगार चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखिए, ये नौमी छोटी थी ना, तो माता रानी की बर्थडे पे कार्ड बना के देती थी, देखिए उसके बर्थडे का कार्ड है, माता रानी ने, माता रानी को मतलब दिया है नौमी ने, जय माता की लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे कार्ड आपको मिलेंगे इसके अंदर ना, और जो व्रत की कथाएं वाली किताबें होती हैं वो मिलेंगी, और देखिए माता रानी की बहुत पुरानी फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है माता रानी की, एक्चुअली बर्थडे की ही फ़ोटो है ये माता रानी का जन्मदिन की फ़ोटो है। और भी होंगी आपको दिखाएं। और देखिए इस तरह ना हम शॉप पे बैठते थे तो कुछ भी लिखते थे हम, क्योंकि जब कस्टमर नहीं आते थे तो लिखते रहते थे बैठे बैठे अपने मन से ना, गाने बनाया करते थे हम, तो कुछ वही सब लिख के रखा है, कहीं कहीं रखा है, हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं इस तरह की चीज़ें। आप लोग बोलेंगे फट गया तो निकाल देना चाहिए, हाँ वो चीज़ सही है अपनी जगह, और कैलेंडर वगैरह जो होते हैं ना वो सब इसी में रख देते हैं। और फ़ोटोज़ और दिखाएं आपको, ये 2014 की फ़ोटो है, और देखिए आपको ना मेरा फर्श दिख रहा होगा, अलग है ना, और ये दिवाली की शायद है, ये दिवाली की है, 2014 की दिवाली की है, और शायद उसी साल माता रानी आई भी थी, 2013 में आई थी, तो मम्मी को सारा कुछ याद है ना, कितनी छोटी सी है माता रानी, 2015 की फ़ोटो है ये 2014 की फ़ोटो है, और ये भी, और ये देखिए रात की करीब 1 बजे की फ़ोटो है, दिवाली का टाइम था, और हम लोग कितने थके हुए लग रहे हैं, देखिए हम तो मेकअप के साथ दिखेंगे आपको, बिंदी इतनी बड़ी है ना कि इसमें अभी की ना 4 बिंदियां निकल आएंगी, वैसे ही वही साड़ी है ना, और ये वही साड़ी मैंने पहनी है, अब मैंने भी पहनी दोनों ने पहनी। और इनको देखिए, इनको ना दुकान से बुलाया था फ़ोटो खिंचाने के लिए, और बहुत थके हुए आपको दिख रहा है, छोटू से एकदम बच्चे लग रहे हैं, और हम बड़े से छोटे से, और देखिए पीछे बकस वगैरह रखा हुआ है। पहले किचन ना यहाँ पे थी, जहाँ पे मेरा मंदिर है यहाँ पे हमने तखट डाल रखा था, उसी पे हम खाना बनाते थे, ऐसे करते थे। और ये देखिए नौमी कितनी छोटी है। जब भी इसको चीज़ें पसंद थी प्रीति, जब भी सब लगाती थी लाला की दुकान से, यही तो करती रही, इसको बहुत पसंद था स्टार्टिंग से, तो इस तरह सब रख देते हम। और आप लोग सोचेंगे ये फ़ोटो जो है फ्रेम में लगवा सकती हैं या ठीक से रख सकती हैं, बट ना हमें यहीं पे रखना पता नहीं क्यों ठीक लगता है, तो हम यहीं पे रखते हैं। और बस ऐसे हनुमान चालीसा वगैरह हैं, दुर्गा चालीसा हैं, कुछ मेरे लिखे हुए गाने हैं, कुछ नौमी के दिए हुए ग्रीटिंग कार्ड है माता रानी को, कुछ मेरा दिया हुआ, ऐसे करके है ना
कुछ इसमें इसमें ना ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सच में इसी में रखना चाहते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं और बाकी रोज़ ज़रूरत पड़ती भी नहीं है क्योंकि चालीसा वगैरह हम कभी भी पढ़ते हैं तो हमको याद रहते हैं। और ये सब ज़रूरी सामान है मेरा तो हम इधर रखते हैं। ये कुछ दीपक हैं जो ऊपर जलाते रहते हैं, हम ऊपर दीपक जलाते हैं शाम वगैरह में, तो वो सब दीपक हैं इसमें रखते हैं, कुछ ही रखते हैं। और ये कुछ रुमाल हैं जो ना कुछ बर्तन पोछने के भी रखते हैं, माता रानी के भगवान के बर्तन भी पोछते हैं और मंदिर पोछने का ऊपर टंगा हुआ है, धुल के टांगा हुआ है अभी हमने, और कुछ फेस वगैरह पोछते हैं, तो इस तरह रखते हैं सारा सामान। ये देखिए ये बर्तन है कुछ माता रानी के जो कि डेली यूज होते हैं, ये लगभग लगभग डेली यूज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो अभी पूजा हो गई है, ये तो शाम में वीडियो हो रहा है, ये वीडियो शाम में शूट हो रहा है, अभी बज रहा होगा करीब 4 बज रहा है, तो यहाँ पे रखते हैं इसको और यहीं से निकाल लेते फिर खिसका देते हैं। ये देखिए गंगा जल है, ये गंगा जल, इसको हम उठाते नहीं जल्दी जल्दी क्योंकि 2 गंगा जल भर के रखते हैं, किसमें रखते हैं एक और रखते हैं। और देखिए ये कुछ प्रसाद है, इसमें इलायची रखते हैं, ये मेवा है इसमें, और देखिए इस तरह सेट रखते हैं। ये देखिए माता रानी के नहीं घुंघरू है और मंजीरा है, तो जब यूज होना होता है यूज हो जाते हैं। और ये तुलसी माता के बीज हैं, जब निकलते हैं तो इस तरह भर के रख देते हैं, कोई हमसे मांगता है ना तो देने के लिए ठीक रहता है। और ये देखिए ये माता रानी के ना बाल हैं, 2-3 तरह की चोटियाँ, एक्चुअली ना हेयर स्टाइल जब बनाना होता है ना तो इन्हीं से बना देते हैं। ये कर्ली वाले हैं और ये प्लेन वाले हैं, यानी कि स्ट्रेट हैं, तो दोनों तरह के हैं। इस तरह भर के रख देते हैं इनके अंदर ऐसे, और ऐसे सेट कर देते हैं। बहुत छोटा सा स्पेस है, उसी में हमको करना पड़ता है। ये सिंदूर लाल वाला, इसमें कुछ पड़ गया है, ये भी सिंदूर है, ये सिंदूर देखिए कलर कितना प्यारा है, ये कलर मेरा फेवरेट है। और ये रोली है, ये कलावा है, इसमें देखिए शहद वगैरह है, कुछ कौड़ी वगैरह पड़ी हुई है, और इत्र है। ये सिंदूर है सारे जो प्रसाद वगैरह में ना आते होंगे, आप लोगों के यहाँ भी कोई जब प्रसाद बेचता है तो सिंदूर आते हैं उसमें, तो ये मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, हम दे देते हैं किसी को ना, ज़रूरत कोई पड़ती है कोई मांगता है तो दे भी देते हैं और हम भी यूज करते हैं कभी कभी। वैसे ये यूज किए हुए नहीं है, ऐसे ही आए ऐसे ही रखे हैं। ये है और ये देखिए ये हवन सामग्री है, तो ऐसे रखते हैं क्योंकि ना ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती डेली में, तो हम ऐसे दबा के रख देते हैं, यानी कि नीचे सेट करना पड़ता है सामान। और ये देखिए इसमें कुछ रुई है, ये कॉटन है यानी कि रुई, और देखिए बना के भी रखी हुई हैं हमने बत्तियाँ, और ऐसे ये कॉटन रखा हुआ है ऊपर फिर बत्तियाँ हैं, ये बतासे हैं। ये देखिए ये गंगा जल है, डेली में हम इसी में से यूज करते हैं गंगा जल, इस ऐसे निकालते हैं ना तो ईजिली निकल जाता है आराम से, और इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे रखते हैं। और ये देखिए माता रानी की गुल्लक है, और ये देखिए हम घी नहीं यूज़ करते हैं, हम तिल का तेल यूज करते हैं, और इसको भी हमें आराम रहती है ना, बत्ती हम भिगो कर नहीं रखते, हम डायरेक्ट इसी से डालते हैं और हमें ये ठीक भी लगता है, और वैसे भी कर लेते हैं दोनों तरह से कर लेते हैं, बट ना ऐसे यूज ज़्यादा करते हैं हम। इलायची वगैरह है, ये एक गंगा जल देखिए ये रखा है, ये मंदिर में कुछ आसनी वगैरह हैं, 3-2 आसनी है ये है और एक में हम बैठे हैं, बाकी जो सामान एक्स्ट्रा मेरे यहाँ है ना वो ऊपर टाड़ पे रहता है। और देखिए पूरी अलमारी दिखाएंगे, ये मेरी मशीन है क्योंकि स्पेस मेरे यहाँ बहुत कम है तो एडजस्ट करना पड़ता है हमको। ये ना मेरी सिलाई मशीन है, देखिए थोड़ी सी दिखाएँ, ये सिलाई मशीन है और ये मिक्सी मशीन है, तो इसको यूँ छुपा के रखते हैं हम। आधे में मेरी पूजा का सामान ऐसे लगा हुआ है, आधे में पूजा का सामान ऐसे लगा हुआ है, आधे में ये लगा हुआ है। ये बंद कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, ऊपर देखिए मेरे हम लोगों के कपड़े लगे हुए हैं, ये कपड़े लगे हुए हैं। एक्चुअली बहुत कुछ है जो हम आपको दिखा सकते हैं बट ना वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखिए एक झलक दिखाएंगे ज़्यादा नहीं क्योंकि ना इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। ये देखिए पूरे लहंगे माता रानी के और भी हैं, वो हम उठा के रख देते हैं क्योंकि ना ये वाले लहंगे ऐसे हैं ना कि हम इसमें रखना अच्छा लगता है हमको, बाकी जो बहुत हैवी है भी हैं पुरानी स्टाइल वाले ना वो हम उठा के रख चुके हैं, उनमें से हम पहनाते भी नहीं हैं। तो करीब करीब इसमें 20-25 जोड़ी लहंगा होगा आराम से। और अगर आपको ये सारे लहंगे देखने हैं तो माता रानी का लहंगा कलेक्शन हमने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो बस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, जय माता की। तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जितना हो सके प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा, और
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना और सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़।